हवाई जहाज खा के आए हम। क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत पिंपल्स हो गए थे तो मैं एक ठेला नहीं है समोसे का, वो देखो गाइस सामने इतना गंदा आम का जूस था ना, ऐसा लिपस्टिक लगा रही थी इनको सुन रहा हूं। मेरे पास तो पैसा 10-12 तो खा सकते हैं। सा साल कोई मत क्या करो चल। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं नेपाल लुम्बिनी, मतलब संडे का प्लान था बट फिर मंडे का हुआ, फिर मंडे से ट्यूसडे हो गया है। वैसे तो थर्सडे का भी था लेकिन पता नहीं क्यों ट्यूसडे आ गया, तो मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ, ना मैंने फ़ोन में स्पेस खाली करी है। बट अब देखते हैं जल्दबाजी में जो हो सकता है। अब मैं सोचा है मैं कार में सोऊंगी रास्ते में जाकर, और बाकी देखते हैं क्या ब्लॉग हो पता आज का। बट फाइनली अ ट्रैवल ब्लॉग अगेन, एंड इस बार कंटेंट डिलीट नहीं होगा पिछली बार की तरह। ये देखो मेरे चेहरे पे भयानक पिंपल्स हो गए यार इस बार, पता नहीं क्यों। मम्मी नाश्ता बना रही है सुबह सुबह। मम्मी ने मुझे दो गाली देके उठाई है। मम्मा तुम्हें कितना ज़्यादा पसीना हो गया यार। एक बार फिर से ये साफ नहीं है लेकिन हिम्मत भी नहीं है मेरी, एक तो सोई नहीं हूँ, नींद आ रही है। ब्रश कर लेते हैं, ये है मेरा ब्रश। तो फैमिली मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया था, चार्ज नहीं था तो 69% हो गया है। और अभी मैंने अपने चेहरे पे मास्क लगाया है क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत पिंपल्स हो गए थे, तो मैंने देखा कि इंस्टेंट रेमेडी क्या है, यही थी। अब मुझे लगता है मेरा चेहरा पीला हो जाएगा क्योंकि मैंने हल्दी थोपी हुई है। सो देखते हैं इसको उतारने के बाद रिजल्ट्स, और फिर अब नहा कर ही मिलते हैं आपसे, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ और मैं पिताजी से गाली नहीं खाना चाहती। बात कुछ ऐसी है, जब भी मुझे किसी फंक्शन या किसी अच्छी जगह जाना होता है ना तो मैं शक्ल अपनी औकात दिखा देती है पिंपल्स दिखा कर। ये देखो मेरे पिंपल्स दिख रहे हैं आप लोग को, भर भर के हो गए मेरे चेहरे पे फफूंद जैसे। तो फैमिली मैं तो तैयार हो गई और घर वाले भी तैयार हो चुके हैं, और आज मैंने माइक पहना है अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो, कि मैंने अभी न्यू खरीदा ताकि आप लोगों तक मेरी आवाज अच्छे से पहुंचे और बैकग्राउंड वॉइस ना आए। सो अब सब लोग तैयार हो गए, नाश्ता करके बस निकल ही रहे हैं। सब लोग तैयार हो गए, मैंने तो चार्जर हाथ में ले लिया है अपने और बाकी सामान भी, और अब चलते हैं निकलते हैं। मैंने तो आप लोगों को मेरा आउटफिट दिखाया भी नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। ये कुछ है ड्रेस जैसा, जंपसूट जैसा कुछ तो है ये, एंड इट्स वेरी प्रिटी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको आज के दिन पहनूं। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं, निकलने का टाइम आ गया है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने सफर पे। घर वाले भी ऑलमोस्ट तैयार हो ही गए हैं। ये रहे पापा, और रहे बाबूजी, मम्मी, ये रही मम्मी। तो फैमिली आवाज तो मेरी एकदम ठीक आ रही है इस माइक में जबरदस्त, और समय आ गया कि अब हम लोग जाएं। अच्छा समय आ गया कि अब हम लोग जाएं घर से बाहर, निकल चुके हैं हम लोग। अब मम्मी ताला वाला लगाएंगे, उसके बाद हमारा ये ट्रिप शुरू होगा। टॉबी टाटा, टॉबी टाटा, टॉबी टाटा। बहुत ही एक्स्ट्रा धूप है फैमिली, बहुत ज्यादा धूप है। तो हम लोग निकल चुके हैं फैमिली, मैं पापा मम्मी आगे बाबूजी, और सुधांशु चला रहे हैं। अब आपसे सीधा पहुंच के बात होगी, वैसे रास्ते में मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तुम मुस्कुराती रहोगी कहते हुए। और सुधांशु चलाने लगा आजकल, तो सुधांशु ही चलाता है, पापा हमारे साथ बैठते हैं पीछे। पता नहीं है, एक नंबर सुंदर लग रही है। अभी ठीक करते ना, अंदर में पानी। फैमिली हम लोग आधे रास्ते आ गए हैं।
इतना भी मत बंद करो। बाजार में हो गई, आगे बहुत बड़ी बाजार दिख रही है मुझे। फरिंदा पहुंच गए। बिरयानी है, चिकन बिरयानी। एक ठेला नहीं है समोसे का। कहीं है ही नहीं। मुश्किल से एक दुकान दिखी है फैमिली, वो भी पता नहीं कैसी है। अब भूखा गई लूं तब बनता धारी में बैठे तब भूख लग जाना था। हवाई जहाज खा के आए हम। तो आप लोग तो नहीं खाएंगे फिर समोसा आएगा तो? अरे हम तो नहीं खाएंगे, हमारा क्या जी, हम तो दस दही और मेरे पास तो पैसा है, दस बारह तो खा सकते हैं। तुम हमें मांगे बच्चे से गाइस, मटर नहीं था। अरे अभी बहुत अंकल ने बताया कि एक दुकान है, मिल गई दुकान हमें, मिल गई फैमिली दुकान, मिल गई समोसे की। मेरा छोला समोसा बन रहा है, ये मेरा समोसा मटर आ गया, मम्मी का भी मैंगो जूस। ये लोग बस मेरे पैसे बर्बाद कर रहे हैं मम्मी सुबान से। ये कैसा आम का जूस है फैमिली, इतना गंदा आम का जूस था ना, ऐसे लग रहा था ना जैसे आम में उसने पूरा पानी मिला दिया हो ना। वाहियात, फेंकना पड़ गया यार, पूरे पैसे बर्बाद हो गए मेरे, वो वहाँ पे भी बर्बाद हो गए समोसा मटर में, वो भी कुछ खास नहीं था और आम का जूस भी इतना। अब हम लोग जा रहे हैं कार पे वापस, अब हम लोग निकलेंगे नेपाल के लिए। काफ़ी रिफ्रेशमेंट हो गया, खाना पीना हो गया, मुझे लगता है पापा बाबूजी मेरे बैठ चुके हैं कार में, मैं और मम्मी को वही चाहिए। वो देखें कार आ रही है हमारी। रिफ्रेशमेंट के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं आगे के सफ़र के लिए, मैं मम्मी उन सब लोग। मेरा पिंपल ठीक नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है अभी हम लोग बहुत दूर हैं, पहाड़ भी नहीं दिख रहे मुझे तो। ये लो क्या है ये दीदी? क्या है ये? लिपस्टिक है। नहीं नहीं, ये क्या है? लुम्बिनी में। हम लोग नेपाल बॉर्डर पे पहुंच गए और पापा अब गए हैं बस छुट्टी, मतलब पैसे वो कराने के लिए एंड वो गाड़ी वाड़ी बनवाने के लिए कुछ। उसके बाद हम लोग नेपाल क्रॉस कर देंगे, आई मीन इंडिया क्रॉस करके नेपाल के बॉर्डर पे चले जाएंगे। वो देखो गाइस, भगवान बुद्ध की जन्म भूमि स्थली 10 किलोमीटर आपके भारत आने के लिए धन्यवाद। कितने का मिला कोल्ड ड्रिंक? ठंडा नहीं था, यही एक ठंडा था। और मिला कितने का ये? गाइस वहाँ पे चेक हो रहा है, पापा चेक करा रहे, सबने बाहर उतरना पड़ेगा फॉर चेकिंग। एक वीडियो डिलीट करवा दो उन लोगों ने, उन्होंने बोला कि इधर वीडियो नहीं बनानी है, तो उन्होंने मेरी वीडियो डिलीट करवा दी। समझे, नेपाल प्रहरी। हम लोग आ गए अंदर फैमिली, नेपाल आ गए हम लोग। नौ नंबर के क्या टिकट कहाँ मिलेगा? कहाँ पर आगे इधर आए ये संबत रहता है इनका।
बहुत धूप है गाइस, नेपाल में संभव इस धूप में मत निकलिए नहीं तो आप जल जाएंगे। जैसा मैं जला हुआ दिख रहा हूँ ना, काला सा एकदम, इससे भी काला। आज के दिन का वो सब नहीं दिखते हैं। टिकट लेके अब हम लोग चल दिए हैं आगे फैमिली। करना तो कैसे उसी में सब बताऊं कि अरे तुम्हारे हाथ गलत है, तुम्हारे पैर गलत है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इस गर्मी में आप यहाँ नहीं घूम सकते। हम लोग तो सोच रहे थे कैसे भाग जाए बस। ये थोड़ा सुंदर है देखने लायक, क्या मतलब इतनी धूप नहीं पड़ रही है किसी की, बुटाउल हो बुटाउल नहीं बुटवल बुटवल